लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। नारस पूर्वांचल की मांग को लेकर पिछले 35 दिनों से अनशन पर बैठे पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अब हिंसक रुख इख्तियार कर लिया है। बुधवार दिन में पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की कार्यकर्ता महिलाओं ने रोडवेज पहुंचकर एक बस में आग लगा दी। उसके बाद वंदना रघुवंशी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आग लगते ही रोडवेज बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में रोडवेज बस अड्डे को खाली कराया गया। इसी दौरान रोडवेज पुलिस ने तुरंत आरोपी महिला कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट लाइव अभी तक। मैं वंदना रघुवंशी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव। पिछले 5 साल से बिल्कुल अहिंसक और लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से हम पूर्वांचल राज्य की मांग करते आ रहे थे। इसी के तहत आर पार की लड़ाई के लिए हम फरवरी में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली नोटिस दे दिए थे कि 15 अगस्त से हम आमरण अनशन करेंगे, और बराबर उनको रिमाइंडर भी भेजा जा रहा था। किसी भी सूचना पर सरकार की पहली ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे वार्ता करें, भले हमारे मुद्दे पर वो न सहमत हो। हमने उनको 2 विकल्प दिए थे कि अगर आप सहमत हैं तब भी आइए, असहमत हैं तब भी आइए, आकर के आप कम से कम कहिए तो कि हाँ आपकी डिमांड वाहियात है, हम इसको नहीं पूरी करेंगे। लेकिन 15 अगस्त को हमने अनशन शुरू कर दिया। सरकार ने हमें अनशन पर बैठा दिया 22 दिन 7 घंटे पर, जब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और कोई वार्ता नहीं हो रही थी। कोई संज्ञान में नहीं ले रहा था, कोई वार्ता नहीं कर रहा था। अंत में इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रही थी, भगत सिंह बना दिया इन लोगों ने। अब जो करना हो वो करें, पूर्वांचल राज्य की मांग है। अच्छा, आग लगना सही है आपका? कैसे मैं ध्यान आकर्षण करूँ? और एक नहीं, केवल दो या ये वंदना रघुवंशी है जो पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचल राज्य की मांग कर रही है और विभिन्न अवसरों पर बातचीत कर रही है। आज ये बता रही है जो आरंभिक इनसे जानकारी की गई पूछताछ कि सुबह ये पेट्रोल लेकर अकेले घर से निकली है, मोबाइल भी इन्होंने घर पे छोड़ दिया था, बता रहे उससे ट्रैकिंग हो जाती है मेरी। और ये गई हैं अकेले चुपचाप रोडवेज पर, एक बड़ी बस थी जिसमें कोई बैठा नहीं था, अभी बस स्टार्ट करके वहाँ पर लगाया था और उसमें चढ़ करके इन्होंने पेट्रोल छिड़क करके बता रही है उसमें आग। तो क्या ये अकेले थी या और भी लोग थे? अकेले थी। इनके खिलाफ अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। तो सर इन्होंने बताया कि किस लिए ये की है? आपको पहले बताया, अभी मैंने पूर्वांचल राज्य की मांग। सर आपने बताया कि मोबाइल को घर पे छोड़ के गई थी, चैटिंग ना हो जाए, तो क्या पहले से सूचना थी कि ये जिस तरह कुछ नहीं, पहले विभिन्न अवसरों पर ऐसा है जो डिमांड वांग करते आती रहती सूचना है, जैसे इन्होंने पहले धरना भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था, वो चीजें थी इसलिए ऐसा इन्होंने सोचा। 35 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा था, क्या LIU इस चीज को लेकर सक्रिय है? आंदोलन इधर नहीं चल रहा था, अनशन है इनका 35 दिनों से। इनका आंदोलन 15 अगस्त था, अनशन पर थे वो, 29 तारीख को इनको तोड़वा दिया गया था, इन लोगों को उठाकर चौरा अस्पताल में दाखिल किया गया था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ इनका इलाज हुआ था।